अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं नॉलेज इज पावर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज आपके लिए जो जॉब पोर्टल से जॉब लेकर आया हूं, यह है आर्मी पब्लिक स्कूल रावलपिंडी के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट्स के ऊपर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, किन कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके ऊपर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, कितनी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की और किस तरह अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो जरूर देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक। लेकिन वीडियो की तरफ मूव करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल नॉलेज इज पावर को रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हर आने वाली इस तरह की लेटेस्ट जॉब्स और स्कॉलरशिप अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जॉब अपडेट। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल अब्दुल मजीद रोड रावलपिंडी जो पर जो वाक्य है इसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं टीचिंग स्टाफ फॉर प्री जूनियर कैंपस के लिए। फर्स्ट पोस्ट जो है वो सेक्शन हेड की है। मास्टर इन एनी सब्जेक्ट विद वन ईयर डिप्लोमा इन मेंटेसोरी मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 to 10 years का होना चाहिए और 5 years जिसके अंदर सेक्शन हेड का होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस। नेक्स्ट मूव करें तो सेकंड नंबर पर टीचर प्री जूनियर स्कूल फीमेल रिक्वायर है। MA MSc BA BSc विद वन ईयर डिप्लोमा इन मोंटेसोरी। एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए स्पोकन और रिटन इंग्लिश के, राइटिंग इंग्लिश के ऊपर। 5 to 10 एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 to 10 years का रिकॉग्नाइज स्कूल से। नेक्स्ट मूव करते हैं तो थर्ड पोस्ट जो है वो असिस्टेंट टीचर रिक्वायर है फीमेल BA BSc विद मोंटेसोरी कोर्स। एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए स्पोकन और राइटिंग इंग्लिश के ऊपर। 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज स्कूल से किसी से। नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है टीचिंग स्टाफ फॉर प्राइमरी स्कूल जूनियर विंग। इसमें फीमेल टीचर रिक्वायर है MA MSc BA BSc क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं सेम ऊपर वाला ही। नेक्स्ट मूव करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स हैं, जिसके अंदर क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर, FA FSc, आर्मी रिटायर्ड पर्सन और अगर सिविलियन है तो 3 to 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट मूव करते हैं तो PT मास्टर जो PTI जिसको कहते हैं हम, मैट्रिक डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन जो PT वगैरह कराते हैं, परेड करवाते हैं, मेल हैं तो आर्मी रिटायर्ड होना चाहिए और प्रेफरेंस की है कि अगर वो प्लेयर हो किसी भी गेम के। इसके अलावा फीमेल है तो फीमेल फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करें तो नाइप का सिद्ध की जॉब है 5th to 8th क्लास होनी पास होनी चाहिए, 5वीं या 8वीं क्लास पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह मायने नहीं रखता, अगर हो तो बेहतर। नेक्स्ट पोस्ट है आया, इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं सारी, चौकीदार के हैं, इसमें भी सेम वही है और रिटायर्ड सोल्जर्स को प्रेफर किया जाएगा। सैनिटरी वर्कर रिक्वायर है, 5th class 5th class पास होनी चाहिए और अगर एक्सपीरियंस वगैरह हो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन की आप डिटेल देख सकते हैं। आपको CV और पासपोर्ट साइज 3 फोटोज और अटेस्टेड कॉपी CNIC की इसको और कुछ अपने एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको अटेस्टेड करके 29 फरवरी 2020 तक सेंड करना होगा इस एड्रेस के ऊपर, आर्मी पब्लिक स्कूल अब्दुल मजीद रोड रावलपिंडी के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, ये तो थी आज की जॉब अपडेट जो थी आर्मी पब्लिक स्कूल रावलपिंडी के हवाले से। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और खुद जाकर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके जाके खुद भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दीजिए और अपने अदर फेलोज के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। हो सकता है आपकी यही नेकी आपके काम आए और आपकी जॉब हो जाए। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज इज पावर को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब्स और स्कॉलरशिप अपडेट्स भी लाता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।